मऊगंज जिले में गौवंश की हत्या करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और उसके अन्य साथी अभी फरार हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। कुछ दिन पहले मऊगंज जिले के घोरहा महुआ जंगल में आपत्तिजनक गतिविधियों की खबरें आने लगी थी। जंगल के आसपास ग्रामीणों ने देखा कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने गौवंश को काटकर मांस लेने की कोशिश की थी। यह घटनाएं घोरहा महुआ जंगल के कई मवेशियों के गाय के कटने के अवशेषों के साथ हो रही थी। इस चिंता के बीच जंगल से लौट रहे कुछ चरवाहों ने देखा कि कुछ अज्ञात व्यक्तियां गौवंश को काटकर मांस लेकर जाने की तैयारी में हैं। इसके बाद स्थानीय ग्रामीणों ने हनुमना पुलिस को सूचना दी। इस जानकारी के बाद जिले में हड़कंप मच गया। पुलिस ने घटनास्थल की जांच के लिए कदम उठाया और जंगल में गिरफ्तारी की कोशिश की। हालांकि कुछ आरोपी फरार हो गए, लेकिन एक युवक को बाइक के साथ पकड़ लिया गया है। हनुमना पुलिस ने इस मामले में कठिनाइयों का सामना किया है और अपराध के क्रमांक 423/23 IPC की धारा 429/34 और गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम की धारा 456 और 9 के तहत मामला दर्ज किया है। हनुमना पुलिस के प्रभारी राम सिंह ने बताया कि 20 सितंबर को स्थानीय लोगों ने इस घटना की सूचना दी। उन्होंने बताया कि कुछ दिनों से लोग एरा मवेशियों के साथ घोरहा महुआ जंगल में गौवंश का काटने का काम कर रहे थे। ये शातिर तस्कर गौवंश के मांस को अपने लाभ के लिए बेच रहे थे और खा रहे थे। आज फिर से कुछ लोग जंगल में घूम रहे थे और उन्होंने एक गाय को काट दिया। अब एक व्यक्ति बाइक पर जंगल में मांस के टुकड़ों को लेने के लिए वहां पहुंच गया था। स्थानीय लोगों ने इस व्यक्ति को देखकर उसे घेर लिया। इस आरोपी युवक को पहली बार गाय के मांस के साथ पकड़ा गया था। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए हनुमना पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। गौवंश की हत्या की खबर सुनकर पुलिस तत्काल कार्रवाई करने के लिए टीम तैयार कर ली। ग्रामीणों की सहायता से पुलिस जंगल में गए और आरोपी युवक को बाइक, मांस के टुकड़े और मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया। हनुमना पुलिस ने जुमरात अली पुत्र आशिक अली को गिरफ्तार किया है। यह 32 वर्षीय व्यक्ति ग्राम दादर पूर्वी का निवासी है। पुलिस ने घटनास्थल से गाय के मांस वाले टुकड़े, बाइक और एक मोबाइल जब्त किए हैं। आरोपी से पुलिस अब उसके पूरे नेटवर्क के बारे में पूछताछ कर रही है। गौवंश मांस खरीदने वालों के बारे में जानकारी भी जुटाई जा रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बॉर्डर के जंगल में आए दिन संदिग्ध गतिविधियां हो रही हैं। इस घटना के पीछे की डिटेल्स और आरोपी के खिलाफ चल रही जांच की ताजगी के साथ हनुमना पुलिस इस मामले में गहरा तंग काम कर रही है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।